पूर्वोत्तर रेलवे लगातार अतिक्रमण हटाने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी क्रम में गत दिनों छावनी स्टेशन से अतिक्रमण हटाया गया था। उसी के मद्देनजर मंगलवार को मोहद्दीपुर चौराहे पर स्थित अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानों को रेलवे ने अपना बुलडोजर चढ़ाकर ध्वस्त कर दिया। आपको बताते चलें कि मोहद्दीपुर चौराहे पर स्थित दुकान नंबर 20 और 21 अवैध रूप से सन 1992 से संचालित थी, जिस पर अब रेलवे प्रशासन की निगाह पड़ी और निगाह पड़ते ही जेसीबी से उसे उखाड़ फेंका गया। इसमें एक दुकान केपी गुप्ता की है और दूसरी कृष्ण गुप्ता की। अवैध रूप से संचालित इन दुकानों को तुड़वाने के लिए रेलवे प्रशासन सहित आरपीएफ, थाने, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी लगे रहे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियर एके पांडे, बीपी त्रिपाठी, अखलाक अहमद सहित अन्य उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि इसके पहले यानी रेलवे की ओर से पहले ही दुकानदारों को नोटिस दी जा चुकी थी, जिससे कि वह अपना सामान पहले ही खाली करा चुके थे। अगर रेलवे प्रशासन की माने तो यह अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी और चलता रहेगा। हटा देना।